तो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब वीडियो पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक है, तो वैसे मैंने एक बात बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी आस्क द क्वेश्चन फॉर यूट्यूब, ठीक है। तो किसी ने भी मुझे नहीं किया है स्टोरी में क्वेश्चंस, तो एक बंदे ने किया था कि मेरे जो लिंक्स है वो नहीं किया। मैं किसी को भी भेजता हूँ तो उसको रिक्वेस्ट डालना पड़ता है, मतलब मैं भी एक यूट्यूबर ही हूँ। तो ये ऐसा Q&A वीडियो नहीं है, ये टॉपिक वीडियो है, तो आप समझ लीजिए। तो उसने बोला है कि मेरा जो लिंक डालता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में एक आधी PDF की वगैरह, तो उसको नहीं क्या, जो अनदर पर्सन क्लिक करता है तो उसको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है मुझे, तो वो बिना रिक्वेस्ट से कैसे क्लिक करके उसको डाउनलोड करे, तो वो मैं आज बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बने रहे इस वीडियो में, तब तक मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, तब तक आप इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद बेल आइकन से हिट कर दीजिए, मतलब मेरे वीडियो आपके मोबाइल के नोटिफिकेशन बार में आते रहेंगे। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को। तो आपको टॉपिक समझ गया है कि बिना रिक्वेस्ट से PDF को डाउनलोड कैसे करें अनदर पर्सन से, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। तो एक मैं ये दिखा देता हूँ एग्जाम्पल कि कैसा आता है वो, ठीक है। मैंने एक डॉक्यूमेंट क्लिक किया है, तो ये हमारे ने क्या ड्राइव में जाके सेव होता है। किसी भी कोई PDF रहो, कौन सा भी रहो, वो लिंक से आप भेजोगे तो वो नहीं क्या डायरेक्ट ड्राइव में होता है ऐड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस, ठीक है। तो ये भेजने के लिए बोल रहा है, तो मैंने भेज भी डाला, ठीक है। तो वो जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे ना, तब हमारा ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं एक सेटिंग बता देता हूँ। जो भी PDF है वो ड्राइव में सेव कर दीजिए। वो कैसे करना है वो एक बार मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर जाता हूँ, फाइल मैनेजर, एक आधी डॉक्यूमेंट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ PDF को। तो आप देखिए, फॉर्म F PDF को मैं, अभी ये क्या है मुझे भी नहीं पता, पर मैं कर लेता हूँ, ई आधार कार्ड को कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे जाना, शेयर पे जाना, शेयर पे जाने के बाद देखिए, शेयर विद ड्राइव, इसको अलाउ कर देना है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जिनको जिनको नहीं पता तो वो तो कर सकते हैं, ठीक है। जिस पे अकाउंट पे करना है वो कर दीजिए सेव। उसके बाद जो नाम रखना है वो रख दीजिए, माई ड्राइव है, सेव कर दीजिए, ठीक है। तो अभी जाएंगे हम ड्राइव पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ ड्राइव पे, तो ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये कभी कभी क्या होता है, डाउनलोड नहीं होता है, ठीक है। किसके किसके मोबाइल पे नहीं क्या, वाईफाई ऑन होता है या नहीं ऑन होता है, तो आप देख सकते हो, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रांसफ़र फाइल ऑनली अवर वाईफाई, तो ये आपको ऑन रखना है तो रखिए, आप वाईफाई से कनेक्ट हो तो रखिए, नहीं तो ऑफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ई आधार कार्ड मेरा डाउनलोड हो चुका है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे मैंने तो एक बार आपको बता दिया है कि कैसा रिक्वेस्ट आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कॉपी लिंक या शेयर, सॉरी, कॉपी लिंक करके आया है सिर्फ, ठीक है। तो ये कॉपी करने के बाद आप जहाँ पे भी शेयर करोगे तो इसको अनदर पर्सन को मुझे रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, जब मैं एक्सेप्ट करूँगा उसके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं चाहिए मुझे, तो क्या करना है, शेयर पे जाना है। शेयर पे जाने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा डाउनलोड होने दीजिए, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट शेयर्ड, उस पर क्लिक कीजिए। उस फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्ट्रिक्टेड करके एक ऑप्शन आता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ उसको। उसके नीचे, जस्ट नीचे चेंज करके ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एरो पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे एनी वन विद द लिंक, मतलब किसी भी, किसको भी इस लिंक को कॉपी करके डाउनलोड, मतलब क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसको कर दीजिए क्लिक। उसके बाद बैक जाइए, देखिए, उसके बाद नहीं, बैक नहीं जाना है आपको, ये एक ध्यान रखना है। व्यूअर्स पे क्लिक करना है। व्यूअर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्यूअर्स के बाजू में एक डॉट है, एरो है, उस पर क्लिक करने के बाद एडिटर करके है, एडिटर पे क्लिक करना है, ठीक है। एडिटर पे क्लिक करने के बाद बैक जाना है। अभी आपको ये लिंक कॉपी कर सकते हो, तो कॉपी करने के लिए एक तो आपके इसमें कॉपी लिंक करके आएगा, यहाँ तो मेरे इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कॉपी करने का ही एक सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लिंक कॉपीड टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो ये है कुछ तरीका, एक बार मैं कॉपी करके आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट ओपन होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने डायरेक्ट दूसरे अकाउंट पे ओपन किया है, तो आप देखिए डायरेक्टली ओपन हुआ है, कुछ रिक्वेस्ट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे इसलिए पासवर्ड मांग रहा है कि वो ई आधार कार्ड था ना, तो वो आधार कार्ड पर होता है पासवर्ड। तो ऐसा आपको कुछ पासवर्ड वगैरह नहीं
आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, तो एक बार सुन लीजिए। ऐसा कुछ भी आपको पासवर्ड वगैरह नहीं देना है, क्योंकि वो था ई आधार कार्ड का। ई आधार कार्ड पे कैसे आपको पासवर्ड देके ई आधार कार्ड आपको निकालना पड़ता है। तो एक बार और सुन लीजिए कि ये पासवर्ड आपको नहीं देना है। इससे आप घबरा जाते कि मेरा पासवर्ड अभी कहाँ से ढूंढूँ, इस बंदे ने तो मुझे वीडियो में बताया नहीं है कि पासवर्ड कहाँ से ढूंढना है, क्या डालना है क्या नहीं। ये कुछ चिंता मत कीजिए, यहाँ पे पासवर्ड वगैरह नहीं डालना है। तो यही था आज का वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद जो मैं बेल आइकन उसे हिट कर दीजिए, मतलब मेरे वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन बार में आते रहेंगे। और इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फॉलो और ज्वाइन कर दीजिए। और टेलीग्राम में मैं डालता हूँ रोज के ऑफर्स, क्या डालता हूँ, ऑफर्स प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी ऑफर्स में आता है, अमेजोन फ्लिपकार्ट जो भी, मिंत्रा जो भी है, सब कुछ। तो ऑफर्स में जो जो आता है वो मैं डालते रहता हूँ, मैक्सिमम मैं अमेजोन से ही डालता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।